नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूंगी, मेरे एग्जाम्स थे जिस वजह से इतने दिनों तक मैं गायब थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, तो अभी तक मेरे एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। इस मंथ के एंड यानी कि फरवरी के एंड में भी मेरे कुछ एग्जाम्स हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मैं फिर से गायब हो जाऊं। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कम्युनिटी टैब पर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। वन मोर थिंग, अभी जब तक मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक के लिए चैनल का जो शेड्यूल था उसे कैंसिल कर देते हैं। एक बार मेरा एग्जाम खत्म हो जाए और चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोस आने लग जाए तो फिर से एक नया शेड्यूल तय किया जाएगा और उसी के हिसाब से वीडियोस डाली जाएगी। ओके, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से एपिसोड शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि वाइस डीन प्रोफेसर यांग के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने ही प्रोफेसर सीओ को मारा है। अब आगे, जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। एपिसोड की शुरुआत अपनी क्लमजी से होती है, जो अपनी छोटी बहन ब्योल से बातें कर रही होती है, जिसमें वो उसे अकेली कहीं भी आने जाने से मना कर रही होती है। कॉज यू नो, वो चाइल्ड रेपिस्ट ली मैन हो इसी के पड़ोस में जो रहता है। खैर, बातों ही बातों में ब्योल ने जो ली मैन हो की फोटोज क्लिक की थी, वो देखते हुए उसकी बुराई करने लगती है कि वो कितना गंदा दिखता है, बिल्कुल क्रीपी टाइप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बात हो जाने के बाद जब वो फोन काटती है, तभी ली मैन हो उसके सामने प्रकट हो जाता है, जो उसके करीब आकर अपना मास्क हटाते हुए बोलता है, मैं गंदा दिखता हूँ। डर के मारे ब्योल के हाथ से फोन गिर जाता है। ली मैन हो उसके और करीब आकर उसे और डराते हुए बोलने लगता है, ध्यान से देखो, मैं उतना भी गंदा नहीं लगता। ब्योल को क्लमजी ने जो पेपर स्प्रे दिया था, ब्योल वो उसकी आंखों में स्प्रे करके भाग जाती है और ली मैन हो, जिसकी आंखों की हालत खराब हो चुकी है, उसकी नजर ब्योल के गिरे फोन पर पड़ती है। इधर अपने यांग क्रेट्स, जिनके सामने अभी अभी वाइस डीन ने कबूल किया है कि उन्होंने ही प्रोफेसर सीओ को मारा है, उनके पास सीरियस गर्ल सोल्बी का फोन आता है। पर इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करे, वाइस डीन मोबाइल लेकर कॉल कट कर देते हैं। सोल्बी दोबारा उन्हें कॉल करने लगती है, पर इस बार इसकी माँ इससे फोन छीन कर कॉल काट देती है, ये सोचकर कि सोल्बी प्रोफेसर यांग को सब कुछ सच बताने वाली है अबाउट प्लेजरिज्म। और इधर प्रोफेसर यांग और वाइस डीन अब मॉक कोर्ट रूम में बैठे होते हैं, जहाँ वाइस डीन ड्रिंक करते हुए बोलते हैं, मैंने ही उस चीनी के पैकेट को हटाया था और मैंने ही तुम्हारा लैपटॉप भी चुराया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए किया। मैंने ही उसके कॉफी में नशीली ग्लूकोन डी पाउडर मिलाई। प्रोफेसर यांग, जो इतनी देर से सिर्फ वाइस डीन को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बोलते हैं, तो मुझसे पहले आप उससे मिले थे और वहाँ पर मिथ का 2 पैकेट था। फिर वो खड़े होकर बोलते हैं, जब आप नशे में नहीं होंगे तब हम बात करेंगे, और लैपटॉप लेकर जाने लगते हैं। वाइस डीन बोलते हैं, आपको क्या लगता है मैं कोई मजाक हूँ? आपको क्या लगता है मैं यहाँ इसलिए रुका क्योंकि मुझे डर था कि मैं जुडिशियल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा? और फिर से पीने लगते हैं। दूसरी तरफ अपने दोनों पगले अपने काम में लगे होते हैं, तभी किसी का फोन आता है जो ब्योल को लेकर होता है। सामने वाले की बात सुनकर क्लमजी दौड़कर भागती है। फिर पता चलता है कि क्लमजी को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, क्योंकि ब्योल ने ली मैन हो की फोटोज को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सर्कुलेट कर दी, जिस वजह से डिफेमेशन का केस बन गया। अपनी क्लमजी भड़कने लगती है कि मेरी बहन ने ग्रुप चैट में इसकी फोटो इसलिए सर्कुलेट की ताकि वो अपने दोस्तों को इस रेपिस्ट से सावधान कर सके। इसमें क्या गलत किया? हाँ, इसमें कानून कैसे टूट गया और आपने मुझे इसलिए यहाँ बुला लिया? पुलिस ऑफिसर बड़े शांति और आराम से संकोचजनक लहजे में बोलते हैं, देखिए जो भी हो, पर इस तरह से किसी के भी फोटोज ग्रुप चैट में नहीं डाल सकते। और आप मुझ पर क्यों भड़क रही है? ये तो बस एक कानून है जिसका पालन कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। और आप तो एक लॉ स्टूडेंट है ना, आपको तो पता ही होगा। क्लमजी बोलती है, हाँ हूँ, और डिफेमेशन के केसेस में मुझे महारत हासिल है, पर मैंने तो ऐसा कानून कहीं नहीं सुना। तभी अपना एरोगेंट बाबा, जो उसी के साथ यहाँ टपका हुआ है, अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, ऐसा कानून है आर्टिकल 55 एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्स ऑफेंडर में। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्रिमिनल के इन्फॉर्मेशन को इस तरह से डिस्क्लोज करना सख्त मना है। तो राम निकला है, देव मानुष निकला, जलवा है हमारा। ये देखकर अपनी क्लमजी का दिमाग खराब, वो बोलती है, कितना गलत है, वो लोग बच्चों की सेफ्टी से ज्यादा क्रिमिनल्स के राइट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ढम आ, 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 आ,
क्लम्सी अपना बकर बकर चालू रखती है और बेचारा पुलिस ऑफिसर चुपचाप उसे सुन रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम अपनी क्यूट सी छोटी बहना को वो फोटोज हटा देने को क्यों नहीं कहती? वैसे मानना पड़ेगा वो स्प्रे था बहुत दमदार। आह मेरी आंख। क्लम्सी उसे घूर कर देख रही होती है। अपना एरोगेंट बाबा आगे आकर बोलता है, तुम्हें जो बात करना है मुझसे करो। पर तभी क्लम्सी खड़ी होकर उसे बहस करने के मूड में आ जाती है, पर उसकी बात काटते हुए ली मैनहो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी बहन ने मुझ पर हमला किया है। क्लम्सी गुस्से से बस उसे ही घूर रही होती है। ली मैनहो बोलता है, एक बात तो कहना पड़ेगा, तुम बिल्कुल उसी के जैसी दिखती हो। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोले उसका फोन बजने लगता है। एक्चुअली ये भी पुलिस की ही नजर में है ना, और एंकलेट से इसकी लोकेशन का पता चलता रहता है, इसीलिए इतनी देर से पुलिस स्टेशन में रहने की वजह से वहाँ से कॉल आ गया ये पता करने के लिए कि ली मैनहो ने कोई क्राइम तो नहीं किया। खैर, तो वो फोन का जवाब देने के लिए चला जाता है और क्लम्सी भी उसके पीछे पीछे हो लेती है। अपना एरोगेंट बाबा पुलिस से बोलता है, मैं ये हैंडल कर लेता हूँ, आप उसे परेशान मत कीजिए। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, मैं भी उसे परेशान करना थोड़ी चाहता हूँ, पता नहीं इतने सारे स्पेशल लॉस बनाए क्यों गए हैं। वैसे वो सच में तुम्हारे ही लॉस करना पड़ती है। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी क्लम्सी ली मैनहो से बोलती है, मैं बिल्कुल उसी के जैसी दिखती हूँ। मतलब? ली मैनहो बोलता है, हाँ बिल्कुल कांगदान जैसी। ये सुनकर क्लम्सी थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, तुम उसे कैसे जानते हो? इतनी ही देर में अपना एरोगेंट बाबा भी वहाँ आ जाता है। ली मैनहो बोलता है, वो बहुत दिनों से घर नहीं आई। क्लम्सी बोलती है, तुम हमारे घर में नजर रख रहे हो? इसका मतलब तुम हमारे पड़ोस में इसीलिए आए ताकि हमारे घर? उसकी बात को काटते हुए वो बोलता है, मुझे कांगदान से कुछ बात करना है। सोले बोलती है, उसे बात करना है? पर किस बारे में? ली मैनहो बोलता है, अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो उसे मेरे पास लेकर आओ, और हाँ अपनी छोटी बहन की चिंता मत करो। और जाने लगता है। तभी अपना एरोगेंट बाबा उसके सामने आकर बोलता है, इसे जाने दो। ली मैनहो बोलता है, हाँ मैं भी जा ही रहा हूँ, वैसे भी लगता है मेरा काम तो हो गया, और उसे ठोक कर चला जाता है। अपनी सोले बहुत इमोशनल हो जाती है। हांजुन बोलता है, तुम ठीक हो? सोले बोलती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, और जाने लगती है। पर तभी लड़खड़ा जाती है और हांजुन उसे संभालता है। उधर प्रोफेसर यांग टल्ली वाइस डीन को उनके घर छोड़ने जा रहे होते हैं। नशे की हालत में वाइस डीन बड़बड़ कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि वाइस डीन ने जुडिशियल एग्जाम इसलिए गिव अप किया था क्योंकि वो पढ़ाना चाहते थे। पर इनकी बीवी हमेशा इनका कंपैरिजन प्रोफेसर सीओ से करती रहती थी, जस्ट बिकॉज प्रोफेसर सीओ ने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया था और इन्होंने फेल करने के बाद गिव अप करके पढ़ाने का डिसाइड किया, इसीलिए इनकी बीवी हमेशा इन्हें प्रोफेसर सीओ से कम ही आंकती थी। नशे की हालत में वाइस डीन बकबक किए जा रहे हैं और अपने बेचारे यंग ग्रिट्स इरिटेट हो रहे हैं। Cause he is not interested in दूसरों की पर्सनल लाइफ यार, इन्हें सुनना ही नहीं है। He is not like वो गॉसिप करने वाली पड़ोस की आंटीज जो दूसरों की पर्सनल लाइफ में अपने मजे ढूंढे। खैर, जब वो वाइस डीन को उनके घर लेकर जाते हैं तो अपनी सीरियस गर्ल सोल भी दरवाजा खोलती है, जिसे देख कर प्रोफेसर यांग हैरान। Cause why not? इन्हें थोड़ी पता था कि सोल भी वाइस डीन की बेटी है, और साथ ही सोल भी हैरान कॉज इसे थोड़ी पता था कि प्रोफेसर यांग इसके पापा को लेकर आए हैं। इसे तो लगा कि खाली इसके पापा आए होंगे। खैर, फिर वो अंदर लाकर वाइस डीन को लेटाती है और प्रोफेसर यांग से पूछने लगती है कि आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई, जिस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, अपने पापा से पूछना, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये बताना कि मैंने तुम्हें देख लिया है। इनके कहने का मतलब ये है कि इन्हें पता चल चुका है कि सोल भी वाइस डीन की बेटी है। एनीवे, फिर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी क्लम्सी और एरोगेंट बाबा क्लम्सी के घर आए हैं। एक्चुअली क्लम्सी की माँ घर पर नहीं है और ब्योल घर में अकेली है, इसीलिए क्लम्सी माँ के वापस लौटने तक ब्योल के साथ रहने आई है और अपना एरोगेंट बाबा क्लम्सी का छोड़ने आया है। घर के एरिया में पहुंचकर क्लम्सी उसे थैंक्स करती है और जाने को बोलती है। एरोगेंट बाबा उसके घर के बारे में पूछता है, क्लम्सी उसे अपना घर दिखाती है। फिर वो ली मैनहो के घर के बारे में पूछता है, क्लम्सी वो भी दिखाती है। तभी ब्योल बाहर आती है, जो आज के इंसिडेंट से अभी तक डरी हुई है। इस छुटकी सी क्यूटी को देखकर हांजुन के चेहरे पर पट से मुस्कान आ जाती है। वो बोलता है, तुम जरूर ब्योल होगी है ना? वो सब बहुत डरावना होगा ना? सहमी सी ब्योल बोलती है, अब मैं ठीक हूँ। फिर क्लम्सी हांजुन का इंट्रोडक्शन करवाती है, जो सुनते ही ब्योल खिलखिलाकर बोलती है, वही सेकंड राउंड पास करने वाले ओप्पा। पता है दीदी आपके बारे में बहुत बातें करती है। क्लम्सी बोलती है, ये क्या बोल रही हो? ब्योल बोलती है, पर आप एरोगेंट और दिखावेबाज तो नहीं लगते। इस पर सोले उसका मुंह बंद कर देती है। हांजुन मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा आपके ऊपर दिखावेबाज नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है।
ब्योल बोलती है सही कहा, आप घमंडी टाइप बिल्कुल भी नहीं हो। इतने में हांजुन को बाय करके क्लमजी ब्योल को लेकर अंदर चली जाती है ताकि वो क्लमजी की और पोल खुलना कर दे, और बाहर खड़ा हांजुन हंसने लगता है, लेकिन फिर सीरियस लुक के साथ ली मैन होके घर को देखने लगता है। अंदर आकर ब्योल बोलती है वो स्मार्ट ओप्पा कहीं देखे देखे नहीं लगते, और सोचने लगती है कि उसने हांजुन को पहले कहां देखा है। पर क्लमजी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और खिड़की पर पेपर चिपकाने लगती है ताकि ली मैन हो इधर ना देख पाए। उधर पजल सॉल्व करते हुए प्रोफेसर यांग बीते इंसिडेंट के बारे में सोच सोच कर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जब वाइस डीन अपने होश में आते हैं तो सोल्वी उन्हें बताती है कि प्रोफेसर यांग ने उसे देख लिया है, और साथ ही ये भी पूछती है कि वाइस डीन प्रोफेसर यांग से क्यों मिले थे। वाइस डीन बोलते हैं उसे बताने के लिए कि मैंने अपना बयान क्यों बदला। सोल्वी बोलती है तो क्या आपने बताया। वाइस डीन नाम में सिर हिलाते हैं। इस पर सोल्वी उन्हें आइडिया देती है कि अब जब प्रोफेसर यांग को पता चल ही चुका है कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप उनसे ये बोल दीजिए कि पुलिस से आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आप उनसे हमारे बाप बेटी होने वाली बात छुपाना चाहते थे। जिस पर वाइस डीन हामी भर देते हैं कि वो प्रोफेसर यांग से ऐसा ही बोलेंगे, और जाने लगते हैं। सोल्वी बोलती है उन्होंने कहा आपसे पूछने को, मैंने उनसे पूछा था कि आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई। वाइस डीन बोलते हैं कुछ खास नहीं, मैं बहुत ज्यादा नशे में था। सोल्वी बोलती है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। वाइस डीन हां में सिर हिलाते हैं। सोल्वी अपनी खानदानी फोटो देखते हुए बोलती है आपको पता है मैं माँ की वजह से जज नहीं बनना चाहती, मैं जज इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि एक दिन मैं जज की वर्दी पहनूं और इस फोटो को रिप्लेस करूं। इधर अपनी क्लमजी पढ़ते पढ़ते नींद की आगोश में जाती हुई खुद को जगाने की कोशिश में लगी है, और ब्योल आराम से सो रही है। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है जो बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। पहले तो क्लमजी उसे इग्नोर करती है, पर फिर इरिटेट होकर उसे चुप कराने के लिए जाती है। एंड गेस व्हाट, अपना एरोगेंट बाबा यही है और ये कुत्ता उसी पर चिल्ला रहा है। क्लमजी कुत्ते को भगाती है और अपना डरपोक एरोगेंट बाबा दीवार से नीचे उतरकर फिर से क्लमजी के सामने कूल बनने की कोशिश करने लगता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। तभी क्लमजी की माँ लौट आती है और फिर ब्योल को माँ की निगरानी में छोड़कर क्लमजी एरोगेंट बाबा के साथ हॉस्टल के लिए निकल लेती है। बस में क्लमजी अपने एरोगेंट बाबा के बड़े मजे ले रही होती है कि इतना बड़ा जंतु इतू से कुत्ते से डर गया, जिससे चिढ़कर हांजुन उस पर भड़कने लगता है और क्लमजी उसे और भी ज्यादा भड़काने लगती है। हार कर हांजुन चुप बैठ जाता है क्योंकि स्मार्ट बंदे को अच्छे से पता है कि जितना चिढ़ोगे सामने वाला आपको उतना ही चिढ़ाएगा। बट ही स्टिल एंग्री। ओके, सोले बोलती है तुम्हें चिढ़ाने का कोई मजा नहीं, तुम बहुत बोरिंग हो। वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी देर तक मेरे घर के बाहर कर क्या रहे थे, क्या तुम हमारे लिए परेशान थे। हांजुन कोई जवाब नहीं देता और सोने की एक्टिंग करता है। क्लमजी बोलती है हो सच्ची। उसे इस बात से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हांजुन बोलता है तुमने मुझे ठगा। सोले बोलती है क्या, मैंने तुम्हें ठगा कब। हांजुन बोलता है तुमने मुझे किताबें बेची थी ये कहकर कि तुम हांकुक लॉ स्कूल में पढ़ती हो, याद है सीनियर। ये सुनकर क्लमजी को पास की बात याद आती है, एंड नाउ शी इज टोटली एम्बैरस्ड, और अब अपना एरोगेंट बाबा इसके मजे ले रहा है। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा, कर्मा स्ट्राइक्स बैक क्लमजी। अपना एरोगेंट बाबा तो इस बात के पूरे रास्ते मजे लेता है, इवन स्कूल पहुँच कर भी वो क्लमजी को सीनियर सीनियर कहकर चिढ़ा रहा होता है, और अपनी क्लमजी पूरा चिढ़ रही होती है और साफ साफ झूठ बोल रही होती है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तभी सोल्वी की कार वहाँ से गुजरती है जिसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है, पर फिर वो आगे चली जाती है। हांजुन बोलता है कम ऑन यार, अब मान भी लो, वैसे भी अब तो तुम यहाँ पढ़ने लगी हो ना, तुम्हें जरूर गिल्टी फील हुआ होगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। वेल डन यार, आखिरकार तुम हांकुक लॉ स्कूल में हो। पर क्लमजी अभी भी मानने को तैयार ही नहीं, वो बोलती है तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि मेकअप की दुकान ये सियोल का बॉयफ्रेंड उस पर चिल्ला रहा है और जबरदस्ती उसे अपने कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये सियोल उसके साथ नहीं जाना चाह रही। इन दोनों को देखकर ये सियोल इनके पास आने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे खींचकर बोलता है अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। इस पर हांजुन बोलता है अपनी बात किसी और दिन कर लेना, अभी ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस पर बॉयफ्रेंड बोलता है ये कौन है। ये सियोल उसे बताती है कि ये मेरे स्टडी ग्रुप में है। बॉयफ्रेंड बोलता है क्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्ती लड़कों से भी है, और हांजुन की ओर बढ़ने लगता है। मामला ज्यादा गर्म ना हो जाए इसीलिए ये सियोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोले उसे रोकते हुए बोलती है छोड़ो उसे, तुम अपसेट लग रही हो ये सियोल।
उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, इससे तुम्हें क्या, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर हांजुन आगे आकर बोलता है क्योंकि ये येसियोल के लिए परेशान है, तुम येसियोल से किसी और दिन बात कर लेना। इस पर उसका बॉयफ्रेंड हांजुन पर और भी भड़कने लगता है, पर येसियोल उसे कार में बैठाने लगती है अपने दोस्तों को ये बोलते हुए कि मैं ठीक हूँ, और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है ताकि कोई और भसड़ ना हो। फिर ये दोनों उसी के बारे में बातें करते हुए अंदर आने लगते हैं। सोले बोलती है येसियोल के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ तो सही नहीं है। हांजुन बोलता है हाँ कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि उस दिन बुक स्टोर में था। ये सुनकर क्लम्जी फिर से चिढ़ जाती है और भागने लगती है। हांजुन बोलता है तुम्हें याद है ना। ब्योल कितने स्मार्ट बच्ची है यार, तुमने लॉ स्टूडेंट होने के बारे में झूठ कहा था और उसने उस झूठ को सच बना दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हांजुन अपने रूम आता है और वही बुक ढूंढने लगता है जो उन दोनों ने उस दिन छोड़ दिया था। दूसरी तरफ अपने यांग ग्रेड्स अभी भी पजल्स ही जोड़ रहे हैं। रात से सुबह हो गई है और ये अभी भी कड़ी से कड़ी ही जोड़ने में लगे हुए हैं। पर फाइनली वो अपने इस कड़ी से कड़ी जोरू खेल से ब्रेक लेते हैं। शायद इन्हें रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग खर्च कर लिया। खैर जो भी हो, इनका हाथी तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया ना। वैसे लगता है इन्हें हाथी बहुत पसंद है। इनके लैपी के स्क्रीन में भी हाथी था और अभी पजल्स में भी देख लीजिए। देख लो भाई, तेज लोगों को हाथी बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी तेज बनना है तो हाथी पसंद करना शुरू कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, उससे आप और भी ज्यादा तेज हो जाइएगा। धन्यवाद भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। रात भर जागी हुई अपनी क्लम्जी पढ़ते पढ़ते कुछ देर की झपकी ले रही होती है कि तभी अलार्म बजता है और इसकी झपकी टाइम फुस। फिर वो देखती है कि लैपटॉप पर प्रोफेसर यांग का ईमेल आया है, जिसे देखकर उसका मुंह उतर जाता है। कॉज इसके बैड फार्मा वाले केस को रिव्यू करने के बाद प्रोफेसर यांग ने इसके पूरे पेपर में हर जगह पर रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पुबली प्रोफेसर यांग से मिलने आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि वो वाइस डीन की बेटी है। साथ ही ये भी अश्योर करती है कि इस वजह से उसे किसी भी प्रकार का कोई भी एडवांटेज, प्रिविलेज या कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उसकी सारी बात सुनकर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आई एम श्योर कि ये बात बताने के लिए तो कल रात तुमने मुझे कॉल नहीं किया होगा। सोलबी उन्हें बताती है कि सोलबी का बयान सभी स्टूडेंट्स के सामने लिया गया था और सबको पता ना चल जाए कि सोलबी के पापा वाइस डीन हैं, उसने पुलिस को झूठ बोल दिया। और उसके बयान को सपोर्ट करने के लिए उसके पापा यानी कि वाइस डीन ने भी पुलिस को सच नहीं बताया कि उस समय वो सोलबी के साथ थे, जो हमारे यंगक्रेट्स ने ऑलरेडी गेस कर ही लिया था कि सोलबी कुछ ऐसा ही बोलने वाली है। सोलबी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मेरे पापा ने बस मेरे बयान को बैकअप किया था, पर फिर आपने मुझ पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा दिया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे सच बता दिया। सोलबी बोलती है हाँ। तभी प्रोफेसर किम वहाँ भागती हुई आती है। फिर सोलबी वहाँ से चली जाती है और अपना वर्क दिखाते हुए प्रोफेसर किम उनसे डिस्कस करने लगती है, जिसमें पता चलता है कि प्रोफेसर किम को भी लगता है कि सोलबी ने कॉपी किया है, क्योंकि अगर उसने मिडिल स्कूल में ये सब लिखा है तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसके 10 साल बाद ये कॉन्टेस्ट हुआ और तब तक तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी थ्योरीज और केसेस हुए हैं जो रेफरेंस के रूप में वो उसमें ऐड कर सकती थी। अगर सोलबी इतनी स्मार्ट है कि मिडिल स्कूल में उसने इतना ज्यादा अच्छा पेपर लिखा था, तो 10 साल बाद तो जाहिर है कि वो उस पेपर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपडेट कर सकती थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि जो अवार्ड सोलबी को मिला है उसके बिना भी वो इस लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि उसे अवार्ड को हाईलाइट करने की जरूरत ही क्या थी जब वो उसके बिना भी एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाइड थी। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, अगर मैंने इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो क्या वो मेरी जान लेना चाहेगी। प्रोफेसर किम बोलती है, क्या उसने तुमसे ऐसा कहा। वेल, इस केस की वजह से उसके एडमिशन पर असर पड़ सकता है। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि कांगसोल भी। उनकी बात को काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं, उसके पेरेंट्स कैसा फील करते होंगे। प्रोफेसर किम बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। तभी उनकी नजर उनके लैपटॉप पर पड़ती है। वो बोलती है, ओ तेरी, तुमने लैपटॉप ढूंढ लिया, कब, कहां, कैसे। उनकी बात को इग्नोर करते हुए प्रोफेसर यांग उनसे पूछते हैं, अपने बच्चे के लिए आप किस हद तक जा सकती हो। प्रोफेसर किम बोलती है, मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, क्या आप किसी की जान ले सकती हो। तभी दरवाजे पर वाइस डीन आते हैं। उसके बाद वाइस डीन के कैबिन में दोनों बातें कर रहे होते हैं। वाइस डीन बोलते हैं, मैंने सुना आपने मेरी बेटी को देखा। प्रोफेसर यांग हम ऐसे हिलाते हैं और बोलते हैं, वो जानना चाहती थी कि हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई। वाइस डीन बोलते हैं, प्लीज उसे कुछ मत बताइएगा।
इस सप्ताह के एंड तक मैं सरेंडर कर दूंगा। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, पुलिस को सिर्फ आपका कन्फेशन मिलेगा और कुछ नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकते। वाइस डीन बोलते हैं, उसके कॉफी में मैंने उनकी बात को काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपने उनके कॉफी में नशीली ग्लूकोन डी पाउडर मिलाई। अगर ऐसा है तो आपने मॉक ट्रायल शुरू होने से पहले उनके कॉफी में मिलाया होगा, राइट? पर अगर ये सच में सच है तो उस दिन सीओ ट्रायल लेता ही नहीं। इस पर वाइस डीन बोलते हैं, उसने तुरंत उसे नहीं पिया था बल्कि ब्रेक टाइम पर पिया था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? इस पर वाइस डीन चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ऐसा कोई सबूत या बयान नहीं है जो आपके बयान को साबित कर सके, और वो भी तब जब तीन अलग अलग जगहों पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। प्रोसिक्यूशन किसी भी हालत में मुझे दोषी साबित करने पर तुली हुई है। वाइस डीन बोलते हैं, प्रोफेसर यांग, मैं उनकी बात को काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मेरा पॉइंट ये है कि आपका सरेंडर करना मेरे इनोसेंस को प्रूव करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। वाइस डीन बोलते हैं, तो फिर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, कल मेरे ट्रायल को अटेंड कीजिए, और फिर उठकर चले जाते हैं। तभी वाइस डीन उन्हें उनका फोन लौटाने के लिए बाहर आते हैं, जो वो अंदर ही भूल गए थे। प्रोफेसर यांग वो फोन लेकर पूछते हैं, आप कंप्यूटर में अच्छे हैं क्या? वाइस डीन बोलते हैं, मतलब? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपने मेरे लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक कैसे किया? इस पर वाइस डीन बोलते हैं, बहुत सी कंपनीज है जो इन कामों में माहिर है। उधर अपनी सीरियस गर्ल सोल भी सिक्योरिटी के पास पहुंची हुई है, ये पता लगाने के लिए कि किस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू इसे इसका लैपे भिजवाया था। सीसीटीवी से पता चलता है कि वो जो भी था उसने अपना चेहरा ढक रखा था, और जूम करने पर पता चलता है कि उसके हाथ में एक अंगूठी है। एंड गेस व्हाट, ये अंगूठी वाला आदमी अपना स्वीटू सोंगजे है।